ये है दिल्ली दर्पण। सलकायरा टनल में बुधवार गुरुवार की रात ड्रिलिंग के दौरान सरिया रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब उस ऑपरेशन के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सरिया काटा गया था। उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के सलकायरा टनल में बुधवार गुरुवार की रात ड्रिलिंग के दौरान सरिया रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब उस ऑपरेशन के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सरिया काटा गया था। रात को आगर मशीन के रास्ते में जो रुकावट आई थी, उसको काटकर रास्ता बनाया गया। आगर मशीन के रास्ते में आई रुकावट को इस तरह हटाया गया है। उत्तराखंड के निर्माणाधीन सलकायरा सुरंग में मलबे में ड्रिलिंग के दौरान आई बाधा को दूर करने के बाद बृहस्पतिवार को सुबह फिर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था और तब से 41 श्रमिक उसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने यह बताया कि श्रमिकों के लिए मलबे में रास्ता तैयार करने हेतु अमेरिकी आगर मशीन से बुधवार को की जा रही ड्रिलिंग के दौरान सामने आए लोहे के सरिये को हटा दिया गया है, लेकिन इससे अभियान में 12 से 14 घंटे की देरी हो गई। बचाव कार्य की निगरानी कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने संवाददाताओं को बताया, लोहे के सरिये के कारण उत्पन्न समस्या को दूर कर लिया गया है। गैस कटर का इस्तेमाल कर सरिये को काटा गया है। कुलबे ने कहा, सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के अभियान में शामिल बचाव कर्मियों को ड्रिलिंग पूरी करने और श्रमिकों तक पहुंचने में कम से कम 12 से 14 घंटे और लग जाएंगे। बुधवार देर रात बाधा आने के बाद 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइप को मलबे में डालने के लिए की जा रही ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।